अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा होगा या रात आपकी अच्छी गुजरी होगी। मुझे अभी ही अभी कुछ पता चला है कि कंदील बलोच का कत्ल हो चुका है और कत्ल करने वाला उसका उसका भाई है बताया जा रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता क्योंकि वहाँ पे मुल्तान के शहर में, और ये बहुत बहुत अफसोस की बात है, एक नौजवान लड़की थी। वो एक बात अलग जगह पे है कि वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही थी, वो अपने हालात, अपने कदरात, लाइक हर चीज़, लाइक पाकिस्तान चलो सही है तुम्हें मॉडलिंग करनी है जो भी करनी है, लेकिन उसने अपने अपने हद से पार कर चुकी होती। लेकिन मैं ऐसा बुरा भला नहीं कहूँगा, अल्लाह ताला उसको जान नसीब करे, अभी गुजर चुकी है लेकिन है मुश्किल। जैसे कि उसने लाइक लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी, मुझे एक असरात लग रहे थे लेकिन मैं अभी श्योर नहीं था। लेकिन अभी जैसे मैं सुबह उठा और जैसे मैं देखा कि और पता चला कि किसी ने उसको कत्ल कर दिया, कंदील बलोच को, बहुत बहुत अफसोस हुआ मुझे कंदील बलोच का। लेकिन मुझे क्योंकि कहाँ पे बताया जा रहा है कि कंदील बलोच अभी भी ज़िंदा है, कहीं पे बताया जा रहा है कि कंदील बलोच अभी भी मर गई है, लेकिन अभी पता नहीं है। ज़राए बता रहे, कोई बता रहा है किसी ने उसको गोलियाँ मारी है, कोई बता रहा है किसी उसने गला दबा दिया। तो अगर वो मर चुकी है, जो भी अल्लाह उसको जहाँ तसीब करे, और बहुत अफसोस हो, नौजवान लड़की थी। और आप सब लोग अपना ख्याल रखें और सेहतमंद रहें। अल्लाह आपको, अल्लाह इसको जहाँ तसीब करे। आमीन।